से गाड़ी में आग लग जाए और आपसे कह दिया जाए कि गाड़ी में पेट्रोल मत डालना क्योंकि पेट्रोल से गाड़ी में आग लग जाती है, तो आप क्या करेंगे? क्या लगता है आपको, ये सही समाधान है? नहीं। ओके, दो समाधान हो सकते हैं। एक, आप गाड़ी में पेट्रोल डालना बंद कर दें, और दूसरा, आप ये जांच पड़ताल करें कि गाड़ी में आग कैसे लगी, पेट्रोल कहां से लीक हुआ। दोनों में से मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन सा सही जवाब होगा। लेकिन जब आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है और आपको तकलीफ होती है और आपसे कह दिया जाता है कि प्रोटीन लेना बंद कर दें, दालें खाना बंद कर दें, कोई भी चीज जिसमें प्रोटीन है वो बंद कर दें, जबकि वही प्रोटीन आपने पिछले वीडियो में जाना कि जीवनदायी है, प्रोटीन के बिना इस सृष्टि में जीवन संभव नहीं है। हमारे शरीर की हर प्रक्रिया में, हमारे शरीर का हर सेल प्रोटीन से ही बनता है, तो क्या यही इलाज हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। और दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रोटीन के बारे में कुछ बातें की थी, कुछ झूठ उजागर किए थे प्रोटीन से संबंधित, और उसके पहले भी मैं दो वीडियो बना चुका हूं प्रोटीन पर, जिसके लिंक मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिए थे और इस लिंक में भी आपको दे दूंगा। तो प्रोटीन के विषय में अच्छे से जान लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रोटीन और यूरिक एसिड का क्या कनेक्शन है और क्यों ये भ्रांति फैली हुई है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है प्रोटीन लेने से। पिछले वीडियो पर जब हमने कुछ झूठ उजागर किए थे तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा, इसीलिए मैंने ये वीडियो इसी सब्जेक्ट पर बनाया। तो आइए इस तहकीकात में जुटते हैं। पहले आपको ये जानना होगा कि यूरिक एसिड कैसे बनता है, वो आप मेरे हाई यूरिक एसिड नाम के वीडियो से, जो नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे जाकर के समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे कि क्या ऐसा करें, क्या ऐसे उपाय करें कि हम अच्छा प्रोटीन लें, हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे और हमें यूरिक एसिड के बढ़ने की कोई संभावना न रहे। तो सबसे पहली चीज, आप नॉन वेजिटेरियन फूड से थोड़ी तौबा कर लें। अगर आप हाई यूरिक एसिड वाला वीडियो देख लेंगे तो आप वहां से समझ पाएंगे कि क्या चीज है जो यूरिक एसिड को बनाती है ना, वहां आपको प्यूरिन्स के बारे में जानने को मिलेगा। यहां मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूं कि जो भी प्रोटीन हमारे शरीर में जाता है, वो प्रोटीन जब मेटाबोलाइज होता है, यानी बॉडी जब उसको यूज करती है, तो उस प्रोसेस का जो आखिरी स्टेप होता है, जो चीज रह जाती है, जो नहीं मेटाबोलाइज हो पाती, वो होती है प्यूरिन्स, और इसको शरीर बाहर निकाल देता है यूरिन के जरिए। हमारी किडनी उसको बाहर भेज देती है, खून से होते हुए किडनी तक जाता है और वहां से बाहर चला जाता है शरीर से। लेकिन जब आप नॉन वेजिटेरियन फूड के जरिए प्रोटीन ले रहे होते हैं, यानी एनिमल प्रोटीन शरीर में जाता है, तो वो पूरी तरह मेटाबोलाइज नहीं हो पाता। इसीलिए नॉन वेजिटेरियन लोगों को हायर चांसेस होते हैं यूरिक एसिड की समस्या पैदा होने के, और वेजिटेरियन लोग इससे काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं। नंबर टू, आपको जो हाई प्रोटीन वाला फूड है वो रात के समय खाना अवॉइड करना होगा, यानी डिनर से हाई प्रोटीन चीजें हटा दें। हाई प्रोटीन प्रोटीन किन चीजों में होता है वो आप जानते हैं, वो आप मेरे प्रोटीन वाले वीडियो से समझ सकते हैं, यहां कम टाइम में बात करना चाहेंगे। तो आप ऐसी चीजों को रात में ना खाएं, उनका सेवन रात के समय ना करें, क्योंकि रात को आप खाने के थोड़ी देर बाद, एक घंटे दो घंटे के अंदर सो जाते हैं और शरीर को उतना वक्त नहीं मिलता कि वो उसे पूरी तरह मेटाबोलाइज कर पाए। इस तरीके से रेजिड्यू बच जाता है बहुत सारा, जो कि अल्टीमेटली यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और शरीर के लिए उसको बाहर निकालना मुश्किल होने लगता है, क्योंकि उसका लेवल ज्यादा हो जाता है। देन नेक्स्ट, आपको जो दाल खाते हैं, है ना, हिंदुस्तान के मेन्यू में हमेशा दाल रहती है, तो और करीब करीब 365 में से ज्यादा नहीं तो भी कम से कम 320-325 दिन तो हम दाल खाते ही हैं। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि आप मिक्स दाल यूज करें, क्योंकि मैंने देखा नॉर्थ इंडिया में तो दाल खाने वालों का ये चलन है कि 365 दिन में 350 दिन अरहर की ही दाल खाते हैं। देखिए, दाल खाने के लिए क्यों मना कर दिया जाता है यूरिक एसिड बढ़ता है? तो दाल जब आप एक तरह की खाते हैं तो उसमें कुछ ही अमाइनो एसिड्स होते हैं,
प्रकृति ने इतनी तरह की दालें बनाई इसलिए ताकि आप सब मिलाएंगे तो सारे अमीनो एसिड्स पूरे हो जाते हैं, लेकिन अगर एक ही तरह की दाल खा रहे हैं तो बाकी तरह के अमीनो एसिड्स आपको नहीं मिल रहे, और जब सारे अमीनो एसिड्स नहीं मिलेंगे तो उसको मेटाबोलाइज करना मुश्किल होता है शरीर के लिए। प्रोटीन्स अल्टीमेटली मेटाबोलाइज होकर के अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होते हैं और फिर उसको शरीर इस्तेमाल कर पाता है, लेकिन जब ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती तो प्यूरिन्स फॉर्म होती हैं और वो यूरिक एसिड बनाती हैं, और यूरिक एसिड जब शरीर में ज्यादा होने लग जाता है तो फिर वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं और फिर वो यहां पर अंगूठों के जोड़ में, पैर में, हाथ में डिपॉजिट होते हैं और तकलीफ शुरू होती है। तो सभी दालों को मिलाकर खाने की कोशिश करें मिक्स, ताकि आपको सारे अमीनो एसिड्स मिल सकें। नेक्स्ट, आपको जो दाल आप खा रहे हैं, देखिए दाल एक इंफ्लेमेटरी फूड कहलाता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि दाल को डाइजेस्ट करने में बॉडी को बहुत एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है, इतनी एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है कि वो थक जाता है, उसके कई ऑर्गन्स में स्वेलिंग आ जाती है यानी इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है। तो दाल जब टूट जाती है ना, गोल होती है, जब टूट के उसके दो टुकड़े हो जाते हैं चक्की में, फिर उसके ऊपर पॉलिश हो जाती है, तो इतना सब होते होते वो एक डेड फूड हो जाता है, यानी उसमें से मिलने वाला प्रोटीन भी डेड हो जाता है। इसको अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो मैं सलाह दूंगा कि दाल को भिगा के रखें पहले, ज्यादातर गृहणियां उसे बनाने से एक आध घंटा पहले भिगा देती हैं। मैं कहूंगा अगर आप उसको ओवरनाइट भिगा दें, रात को भिगा दिया और दूसरे दिन बनाया, तो इस तरीके से ये प्रोसेस काफी हद तक रिवर्स हो जाता है और वो वापस लाइव फूड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे उसको आसान होता है शरीर को पचाना, उसमें से प्रोटीन ले पाना आसान होता है। अदरवाइज वो पूरी तरीके से नहीं अगर डाइजेस्ट होगा तो फिर वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। देन आप इस दाल को प्रेशर कुकर में ना पकाएं, क्योंकि आप प्रेशर कुकर में मंगाएंगे तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, वो अगेन डेड फूड में कन्वर्ट हो जाता है। 300-400 डिग्री टेम्परेचर होता है उसमें, दाल पकती नहीं, वो गल जाती है सिर्फ। तो प्रेशर कुकर को अवॉइड करें, है ना, और किन बर्तनों में बननी चाहिए ये मैं आपको, एक अलग सब्जेक्ट है, आप चाहें तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको कुछ सुझाव दे सकता हूं कि आप किस तरीके से उसे पकाएं ताकि उसका न्यूट्रिशन आसानी से बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, उसका प्रोटीन आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट इज आप स्प्राउट्स खाना बढ़ाएं, जिन चीजों को भी अंकुरित करके खा सकते हैं उन्हें अंकुरित करके खाएं। ये जो पॉलिश्ड ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही हानिकारक होते हैं और वो सब डेड हो जाते हैं, तो जिनको आप भिगा के रखते हैं, हम चने को भिगा के रखते हैं, राजमा को भिगा के रख सकते हैं, मैंने दालों के बारे में आपसे कहा उनको भिगा के रखें, जो भी चीजें आप ओवरनाइट भिगा के रखेंगे वो आपके लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि उनके ऊपर से जो हानिकारक पदार्थ है एक तो वो पानी के साथ घुल के निकल जाएगा और दूसरा उनके अंदर कुछ जान आ जाएगी, वो लाइव हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज आप प्रोटीन को मैक्सिमम ब्रेकफास्ट में लेने की कोशिश करें, आप ब्रेकफास्ट में ही, सुबह के नाश्ते में ही अपना प्रोटीन का कोटा पूरा करें। जो भी हाई प्रोटीन चीजें आप खाना पीना चाहते हैं, या वो अंडे हुए या आप भले ही नॉनवेज खाना चाहते हो, लेकिन उसको आप सुबह दिन के समय, रात के समय नहीं, तो जब आप उसको सुबह के समय लेंगे तो पूरा दिन मिलता है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए और बॉडी उसको अच्छे से यूज कर पाती है। इसके बाद नेक्स्ट आप अपना वाटर इनटेक मैक्सिमाइज करें, पानी अधिक से अधिक पिए, जितना ज्यादा पानी का सेवन करेंगे उतना अच्छी तरीके से आपके बॉडी से यूरिक एसिड फ्लश आउट हो जाएगा। यूरिक एसिड कोई खतरनाक चीज नहीं है, कोई गलत चीज नहीं हो रही शरीर में, वो एक रूटीन है, जब भी प्रोटीन मेटाबोलाइज होता है तो एंड प्रोडक्ट जो होता है वो अल्टीमेटली यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो उसे लेकिन शरीर से बाहर जाना होता है यूरिन के जरिए। जब आप पानी अधिक पियेंगे तो वो आसानी से फ्लश आउट होता रहेगा। और आखिरी में अपने तनाव को मैनेज करना सीखें, तनाव पर काबू पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तनाव रहेगा अगर आपको लगातार तो बॉडी में कुछ भी ठीक से मेटाबोलाइज नहीं होगा और प्रोटीन भी ठीक से मेटाबोलाइज नहीं होगा, अल्टीमेटली आपको हाई यूरिक एसिड का सामना करना पड़ेगा। इसका एक आसान रास्ता यानी कि इजी वे आउट ये भी है कि आप न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन यूज कर सकते हैं अपना प्रोटीन इनटेक फुल करने के लिए, जिसमें कि सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, इस वजह से वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, उसका डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर हाईएस्ट होता है 1 और करीब 98% तक डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये एक आपके लिए इजी वे आउट हो सकता है। तो दोस्तों अपने प्रोटीन इंटेक का ख्याल रखें और यूरिक एसिड से बचने वाले सभी उपायों को लागू करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।
तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।